कौन थी हमीदा बानो जिससे हुमायूं को हुआ इश्क, लेकिन क्यों अधूरी रह गई ख्वाहिश। जब हम मुगलों का इतिहास खंगालते हैं तो कई तरह के किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिनमें उनकी निजी जिंदगी से लेकर युद्ध तक की तमाम बातें लिखी हैं। इन्हीं में से एक किस्सा बेहद मशहूर है। किस्सा है बाबर के बेटे हुमायूं की एक तरफा मोहब्बत का। कहते हैं कि इस दौरान हुमायूं को इश्क ने ऐसा अंधा कर दिया था कि उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तरह तरह के जतन किए थे। हालांकि उसने अपनी जिद और ताकत के दम पर उसका जिस्म तो पा लिया था, लेकिन उसकी रूह में कभी नहीं उतर पाया था। और शायद यही कारण है कि हुमायूं के तमाम किस्सों में इस एक तरफा इश्क का जिक्र खास तौर पर किया गया है। दरअसल बात 1539 की है। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। कहा तो यह भी जाता है कि शेरशाह सूरी ने मुगलों को संभलने का मौका नहीं दिया था। उन्हें जड़ से समेत उखाड़ने का उन्होंने पूरा मन बना लिया था। लिहाजा हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। एक दिन हुमायूं छिपते छिपाते अपने सौतेले भाई हिंदाल के घर पहुंचा, जहां उसे हमीदा बानो मिली। 14 साल की खूबसूरत हमीदा हिंदाल के हरम में रहती थी। 34 साल के हुमायूं को हमीदा इतनी पसंद आ गई कि वो अपनी उम्र से आधी भी छोटी लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। हुमायूं ने इसके लिए अपनी सौतेली माँ दिलदार बेगम और भाई हिंदाल से बात की। दोनों ने ही इस रिश्ते के लिए हुमायूं को इनकार कर दिया। वहीं हमीदा ने भी हुमायूं को ना कह दी। हमीदा ने हुमायूं के साथ दरबार में मौजूद सभी लोगों से दो टूक कह दिया कि उसे हुमायूं पसंद नहीं है, वो उसके साथ न जाना चाहती है और ना रहना चाहती है। दरअसल दिलदार बेगम को लगता था कि क्या पता हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान का तख्त हासिल कर पाए या नहीं। हो सकता है कि वो जिंदगी भर भटकता फिरे या अफगानों के हाथ मारा जाए। वहीं इंदाल का संकट ये था कि हुमायूं उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसके पिता से उसने तालीम पाई थी। उसने कहा, हमीदा मेरी बहन जैसी है, आप बादशाह हैं, आप पद और रुतबे के हिसाब से मेहर की रस्म तो तय कर सकते हैं, ना ही सियासी संकट की इस घड़ी में उसे अदा कर सकते हैं। आपकी उम्र का फासला भी बहुत है। इसके बावजूद उसकी माँ ने हमीदा से निकाह के लिए पूछा तो उसने हुमायूं को दो टूक इनकार कर दिया। अब वो हारा हुआ ही सही, लेकिन था तो हिंदुस्तान का बादशाह, इसीलिए उसने ना सुनने की आदत नहीं थी। हुमायूं ने सोचा कि वो एक बार खुद हमीदा से बात करेगा कि वो उसके निकाह के पैगाम को अपनी खुशनसीबी मानते हुए कबूल कर ले। इसके बाद हमीदा ने एक बार फिर से हुमायूं को ना कहते हुए कहा, अगर कोई औरत हरम के उसूलों के मुताबिक बादशाह सलामत को एक बार ना कहती है तो उन्हें मान लेना चाहिए, मेरा फैसला वही है। ऐसे में मैं दोबारा बादशाह सलामत के सामने जाना अपने उसूलों के खिलाफ समझती हूँ। बादशाह को इबारत की लिखावट न समझ आए तो ये उनका मसला है। हुमायूं को हमीदा से इतनी सख्त जवाब की उम्मीद न थी। अब उसे हमीदा को हासिल करना मोहब्बत नहीं बल्कि शान का सवाल था। ऐसे में गुस्साए हुमायूं का रौद्र रूप देखकर बेचारी हमीदा को झुकना पड़ा। इसके बाद जबरदस्ती उसका निकाह तो हो गया, लेकिन दोनों का मन और उनकी रूहें का मिलना कभी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।